सब्सक्राइब करें बालियन किचन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं कि हम मोमोज बिना स्टीमर के डायरेक्ट पैन या कढ़ाई में कैसे बनाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आटा कर लेते हैं। तो आटे ये मैंने एक कप मैदा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें तेल डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। पूरा अच्छी तरह डिटेल में जो है आटा करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया है, मोमोज की जो मेरी पिछली वीडियो है। आटा जो है हमारा ये रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा तेल लगा के हम इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। और जब तक हमारा ये आटा रेस्ट कर रहा है तो हम मोमोज की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे ये पत्ता गोभी, इसको मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था। थोड़े से प्याज डाल देंगे बारीक कटे हुए। थोड़ी शिमला मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई। सब्जियां यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा सब्जियों में जो है नमक डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। इनको बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बस थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंसी हो जाए सारी सब्जियां, तो इतना भूनना है। थोड़ा सा इसमें ये मैंने सोया सॉस डाल दिया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारी जो स्टफिंग है बिल्कुल रेडी हो गई है और यहाँ पे आटा भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये स्टफिंग जो है ठंडी हो गई है। अब हम मोमोज बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं पहले एक बड़ी सी लोई लेके आटे में से एक बड़ी सी मैंने रोटी बेल ली है, उसमें से एक छोटी सी कटोरी से या फिर किसी आप कुकी कटर है अगर आपके पास उससे कट करके उसमें स्टफिंग को रखते जाएं। और इस तरह से हम अपने मोमोज को फोल्ड करते जाएंगे बीच में स्टफिंग रख के। और मोमोज की जो अच्छी तरह से डिटेल में मैंने वो भी पिछली वीडियो में बताया है किस तरह से हमें फोल्ड करना है, किस तरह से हमें प्लेटें डालनी है। तो इसी तरीके से ये सारे मोमोज मैं बना के रेडी कर लूंगी। और आज इस वीडियो में गैस मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मोमोज को हम बिना स्टीमर के डायरेक्ट पैन या कढ़ाई में बनाएं। तो ये देखिए मैंने एक पैन को रख लिया है गैस पे और इसमें जो है थोड़ा सा हम तेल लगा देंगे ताकि मोमोज जो है नीचे पैन में ना चिपके। इससे मोमोज जो है बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बस 10 मिनट लगती है बनने में। तो मोमोज को रख देंगे हम तेल लगा के ऐसे पैन में और 5 से 6 मोमोज, मेरा ये जो पैन है इसमें बस 5 से 6 मोमोज एक बार में आएंगे। थोड़ा थोड़ा दूरी पे हमें रखना है, एकदम पास पास नहीं रखना। और जो है इस पे थोड़ा सा ऐसे पानी छिड़क देंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालना, हाथों से लेके उसी से छिड़क देंगे। और गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे और उसको हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। और बीच में भी एक दो बार इसको चेक करेंगे। और ये देखिए बीच में मैं आपको यहाँ पे मोमोज को चेक करके दिखा रही हूँ, ये 50% पक चुके हैं। और इनको मैं थोड़ा सा इधर उधर ऐसे करूँगी और ये देखिए बिल्कुल भी ये नीचे नहीं चिपक रहे हैं क्योंकि हमने पैन में तेल लगाया था। और अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो वही यूज़ करें, उसमें बहुत ईजी रहता है। थोड़ा सा पानी इसमें मैंने बीच में, ऐसे लग रहा है आपको पानी कम सा है, चिपक ना जाए तो थोड़ा सा एक दो बार छिड़क दीजिए।
और ये देखिए मोमोज जो है बिल्कुल 10 मिनट में ही मैंने खोला है इसको, बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं और पैन में भी ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। और इनको जो है अगर पानी ऐसे लग रहा है थोड़ा एक दो बूंद इसमें रह रहा है तो ऐसे हिला दें और बस ढक्कन को हटा दें, क्योंकि स्टीम भी डलती है ढक्कन से, तो तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए हमारे जो मोमो हैं बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं, मैंने ट्रे में इनको निकाल लिया है। गाइज इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना के देखें, बहुत ही अच्छे बनते हैं और कोई झंझट ही नहीं, डायरेक्ट पैन में बना लीजिए, ना कोई स्टीमर का झंझट, ना जाली रखने का, ना पानी डालने का, तो झट से बहुत जल्दी बन जाते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये